स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B। ठीक है, 3B आपके बुक के पेज नंबर 42 पे हमारे पास एक्सरसाइज 3B गिवन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड, यानी टू ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर है। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट है इसका टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो या इटसेल्फ अपने आप पे डिवाइड हो या फिर वन पे डिवाइड। ठीक है, तो हम कोई से दो ऑड नंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं वन और दूसरा ले लेते हैं थ्री। तो थ्री और वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर, लेकिन फोर ऑड नंबर तो नहीं है, फोर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। फोर क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज आल्सो इवन, यानी दो इवन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। फॉर एग्जांपल एक इवन नंबर लेते हैं टू प्लस सेकंड ले लेते हैं फोर, तो टू और फोर को जब ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स, और सिक्स भी क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज आल्सो इवन नंबर। इसका थर्ड पार्ट है एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, कि हर प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो वन पे डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ पे डिवाइड हो। तो हमारे पास जो टू है, ठीक है, टू जो है हमारे पास, टू को हम लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई बाई टू, यानी टू वन पे भी डिवाइड होता है और टू पे भी डिवाइड होता है, यानी वन पे डिवाइड होता है और इटसेल्फ पे भी डिवाइड होता है, लेकिन टू हमारे पास इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे आप लोग लिख लेंगे फॉल्स। इसी तरह इसका फोर पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर प्राइम और कंपोजिट। ठीक है जी क्लास, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा जो है हमारे पास फैक्टर्स बने, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अब उन्होंने ये बोला है इसके फोर पार्ट में कि एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर प्राइम और कंपोजिट, के हर नेचुरल नंबर जो है वो या तो प्राइम होगा या क्या होगा, कंपोजिट होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स कैसे है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं वन टू थ्री अप टू सो ऑन, वन को ही ले लेते हैं, वन हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वन हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और वन हमारे पास कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट कैसे नहीं है, वन इज इक्वल टू, वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है वन इट्सेल्फ। ठीक है, हमारे पास कंपोजिट नंबर तो वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो वन हमारे पास कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर प्राइम और कंपोजिट, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है थ्री इज अ कंपोजिट नंबर। थ्री को क्या कहा है उन्होंने, कंपोजिट नंबर है। देख लेते हैं कि वो कंपोजिट है या नहीं। तो थ्री को हम लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई बाय थ्री। ठीक है, इसके अलावा जो हम हैं थ्री को, और इस थ्री जो है सिर्फ वन का मल्टीपल है। ठीक है, वन थ्री ज़ार थ्री होता है, और इसके अलावा किसी टेबल पर थ्री नहीं आता, ना टू के टेबल पर ना फोर के टेबल पर। ठीक है, तो हमारे पास थ्री के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, टू फैक्टर्स बन रहे हैं, एक वन और दूसरा थ्री। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह इसका सिक्स पार्ट है देर आर मैनी प्राइम ट्रिपल्स। क्लास, इसका सिक्स पार्ट जो हमारे पास है देर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। यहाँ पे पेज नंबर 41 पे इसकी लास्ट पे डेफिनेशन गिवन है, अ सेट ऑफ थ्री सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, द नंबर्स डिफरेंशिएटिंग बाय टू फॉर्म्स अ प्राइम ट्रिपलेट। यानी थ्री नंबर्स का सेट, ठीक है, उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, और उनके दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, टू का होना चाहिए। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, पहला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, हम थ्री लिख लेते हैं, टू नहीं लिखते। ठीक है, थ्री फाइव और सेवन, टू टू के गैप से हमने तीन नंबर लिख दिए। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, अगर हम इसे नेक्स्ट
इसी के गैप से लिखें तो हमारे पास हम लिख लेते हैं 9, 11, 13। क्लास लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर है ना 9, 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है,